अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह मेरी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बनाना स्टार्ट करें। आलू का मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक पैन। पैन में 4 चम्मच मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरा को भी तेल में फ्राई करेंगे। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने लिया है, इसको भी तेल में फ्राई करेंगे। बॉयल आलू लिया है मैंने, इसको अच्छे से हाथ से मैश करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में मैंने लिया 1 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया जिसे हाथ से क्रश करके मैंने डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मैंने लिया है। इन सब डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भूजेंगे आलू को मसाले के साथ। 2 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर। आलू को मसाला और भी चटपटा बनाने के लिए, फ्रेशनेस के लिए मैंने लिया हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए अब बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमारा बनके तैयार हो गया है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गट्ठा। हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको रख देते हैं साइड में। चलिए अब मसाला हमारा आलू का ठंडा हो गया है, अब हम इसको छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेते हैं। आप अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो कबाब का शेप भी बना सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। इसी तरह मैं सारे बॉल तैयार कर लेती हूँ। बड़े हमारे तैयार हो गए, अब हम इसको रख देते हैं साइड में। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड। ब्रेड को ब्रेड के साइज से मैंने कट कर लिया है ब्रेड को। अब हम एक टुकड़े ब्रेड में आलू फिल करेंगे और दूसरा टुकड़ा बंद कर देंगे अच्छे से दबा के। इसी तरह मैं सारे ब्रेड में आलू फिल कर लूँगी। ब्रेड पकौड़ा हमारा फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है, चलते हैं हम फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए मैंने लिया है 1 कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और ब्रेड को बेसन में अच्छे से डिप करेंगे, अच्छे से बेसन का कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक करके मैं ब्रेड को तेल में डालूंगी। मीडियम फ्लेम पे ब्रेड पकौड़ा फ्राई करेंगे। एक तरफ से हमारा सिक गया है, अब दूसरी तरफ मैं पलट दूंगी। ये देखिए अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए अच्छे सा कलर आ गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनके हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम वड़े तल लेते हैं। वड़े को बेसन में डिप करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन का और एक एक करके इनको भी फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसको पलट देते हैं वड़े को।
चारों तरफ से पलट पलट के अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए वड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए वड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं अब टमाटर का पकौड़ा बनाते हैं। टमाटर को मैंने गोल शेप में कट कर लिया है, बेसन में डिप करेंगे और एक एक करके तेल में डालेंगे। टमाटर के पकौड़े हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारे फ्राई हो गए हैं टमाटर के पकौड़े, और हम पलट देते हैं इनको। मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटर के पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। टमाटर के पकौड़े मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब हम आलू के पकौड़े बना लेते हैं। आलू को मैंने चिप्स कट कर लिया है और बेसन में डिप करके एक एक करके तेल में डालेंगे। आलू के पकौड़े को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा आलू अंदर से अच्छे से पक जाए। अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है। आलू का पकौड़ा भी हमारा बनके रेडी हो गया है। अब सबको मैं निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो